एमपी में विधानसभा चुनाव को अब चंद महीने ही बचे हैं, जिसकी तैयारियां राजनीतिक दलों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उच्च स्तर पर शुरू कर दी है। जहां सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है, जहां बीते दिनों आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही फूट पड़ती नजर आ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव सहित 90 कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा के चलते पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि हंगामा उस समय हो गया जब दो दिवसीय दौरे पर आई आप पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल के सामने बीपी चौरसिया प्रदेश सचिव को धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें उठाकर गाड़ी में डालकर प्रचार करवाऊंगा। इस धमकी से प्रदेश सचिव भड़क गए और उन्होंने जमकर पार्टी के अंदर गुटबाजी के आरोप लगाए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष इस आरोप से इनकार करती रही। उनका कहना है कि पार्टी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी दम से लड़ेंगी। वो आपको हम गाड़ी में डाल के ले चलेंगे, प्रचार करना पड़ेगा हमारे साथ, हमने क्यों करना पड़ेगा भाई? कौन है वो? अरे अब है नए नए सदस्य है ये। क्या नाम है? नाम नहीं हम जानते हैं। देने दो, धमकी से क्या होता है? हम लोगों ने रिजाइन ही मार दिया है, क्यों काम करेंगे भाई उसमें? कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? 90 से 100 लोगों ने इस्तीफा दिया है आज हमारे साथ। क्या कारण है देने का? यही है, पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जो पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, है कि नहीं? जब सम्मान नहीं मिलेगा, उनका मान किया जाएगा मंच पे, तो स्वाभाविक है कि इस्तीफा देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आगामी विधानसभा चुनाव में 6 विधानसभा सीटों में एक भी सीट नहीं आ रही है आम आदमी की, भाई पार्टी में फूटन हो गई है। बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हमारे संज्ञान में तो कुछ ऐसा नहीं है। आप सबसे बात, हमारी जितने भी पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं, बातचीत चल रही है और अभी बड़ी रैली होगी, उसमें सभी का साथ मिल रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, क्या ऐसे व्यक्तियों को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा? बिल्कुल ऐसा तो अभी मेरे समझ नहीं आया है। अगर ऐसा होगा तो उस पर बातचीत होगी और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ा जाएगा। आपको हमारा प्रचार करना होगा, साथ देना होगा? नहीं, गाड़ी में डाल दीजिए। नहीं, मुझे अभी जानकारी नहीं मिली, उसके हिसाब से बातचीत करके जैसा भी होगा आगे बढ़ा जाएगा।